हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2024 को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इंडिया का यूनियन बजट डिक्लेयर करने वाली हैं। लेकिन इस साल का बजट जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस साल एक नहीं बल्कि दो दो बजट आएंगे। और हर साल जब भी मार्केट में बजट आने वाला होता है तो उससे पहले के टाइम पीरियड में मार्केट वोलेटाइल रहता है और काफी बार मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। और अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को भी देखेंगे तो करंट मार्केट कंडीशन भी इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर आप लोग सेंसेक्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो सेंसेक्स की वैल्यूएशन में भी काफी वोलेटिलिटी दिखाई देगी। अगर आप लोग निफ्टी 50 की वैल्यूएशन में भी देखेंगे तो निफ्टी 50 की वैल्यूएशन में पिछले एक हफ्ते में और एक महीने में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे रही होगी। और अगर आप लोग निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 के चार्ट ने शॉर्ट टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और इस सेगमेंट का चार्ट जो है वो अभी भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल के बजट को लेकर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस साल दो बजट आने वाले हैं, तो आप लोगों को कौन से बजट को सीरियस लेना है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि आखिर इस साल दो बजट क्यों आने वाले हैं। करंटली आने वाले 2 से 3 महीनों में इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, और जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तब उस साल इंडिया में दो दो बजट डिक्लेयर होते हैं। सबसे पहला बजट एज यूजुअल फरवरी के मंथ में आता है, फर्स्ट ऑफ फेब को, और सेकंड बजट जो है वो जून या जुलाई के मंथ में आता है। और जब भी इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट चेंज होती है, तो इसके लिए जो पहला बजट आता है, मतलब कि जो इलेक्शन से पहले जो बजट आता है यानी कि फर्स्ट ऑफ फरवरी को जो बजट आता है उसे इंटरिम बजट यानी कि टेम्पररी बजट कहा जाता है। और जब भी इलेक्शन के टाइम पर इंटरिम बजट डिक्लेयर होते हैं तब यहाँ पर कोई भी मेजर पॉलिसीज को चेंज नहीं किया जाता है। जो छोटे मोटे डिसीजन है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो डिसीजन है उन सारे डिसीजन को लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बजट बनाया जाता है। और इलेक्शन खत्म होने के बाद में जब गवर्नमेंट पॉलिसी में आती है तब वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बजट डिक्लेयर करती है और उस बजट को फाइनल इंप्लीमेंट किया जाता है। और ज्यादातर लोग जो सेकंड बजट होता है उन्हें ही सीरियस लेते हैं। आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आखिर इस साल दो बजट क्यों आने वाले हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आप लोग इस साल के बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम पीरियड में भी उन कंपनीज के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर देंगे। और अगर आप लोग करंटली पीएसयू सेक्टर्स को देखेंगे तो मार्केट में पीएसयू सेक्टर की ग्रोथ काफी तेजी से होते जा रही है। मार्केट में एक टाइम ऐसा था जब पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके अगर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने होते थे तो आपको उन कंपनीज के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं पड़ता था, और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड तक होल्ड करना पड़ता था, तब कहीं जाकर अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देते थे। लेकिन करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट के पीएसयू स्टॉक्स में इतनी ज्यादा रैली आने की वजह से मार्केट में लोगों ने पीएसयू कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। एज यूजुअल हर साल की तरह इस साल के बजट में भी पीएसयू सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ फंड्स रखा जाएगा। और जब भी मार्केट में यूनियन बजट आता है तो हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट रखा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रोड्स एंड हाईवेज को डेवलप किया जाता है। और करंटली मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी आसान होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो इस सेक्टर को लेकर भी आप लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेगी। और करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। तो ओवरऑल यूनियन बजट आने के बाद से मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो काफी अट्रैक्टिव हो सकती है और हर साल की तरह इस साल का मार्केट भी 3 से 4% तक ग्रो कर सकता है यूनियन बजट के डिक्लेयर करने के बाद से। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स करंटली मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि करंट मोमेंट पर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आपका डाउट भी सिमिलर काइंड का है तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो या तो आपको रुक जाना है या तो आपको उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर उनकी वैल्यूएशन कम हो। मतलब कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं लेकिन कंपनी के फ्यूचर फॉरकास्ट काफी अट्रैक्टिव हैं तब यहां पर उन कंपनीज के शेयर्स पर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए top 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस साल के यूनियन बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। लेट्स डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।